अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस कर्ज के भारी बोझ तले दबी है। बैंकों ने कंपनी की रणनीतिक पुनर्गठन योजना को मंजूरी देते हुए कर्ज चुकाने के लिए कंपनी को 7 महीने की मोहलत दे दी है। 7 महीने के अंदर कंपनी को अपना कर्ज चुकाने का आदेश दिया है। बता दें कि आरकॉम के ऊपर इस वक्त 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग नीचे किए जाने के बाद आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और घोषणा की कि सितंबर तक कारोबार की बिक्री के 2 सौदों से मिले धन की मदद से कंपनी अपने कर्ज को घटाकर 2000 करोड़ तक लाएगी। बैंकों ने कंपनी को एक दिन पहले इसके लिए दिसंबर तक की समय सीमा दी है। अंबानी ने कहा कि इसके अलावा कर्ज को और कम करने के लिए कंपनी अपने वैश्विक कारोबार की रणनीतिक बिक्री पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि बैंकों ने रणनीतिक बदलाव कार्यक्रम के तहत कंपनी द्वारा की गई प्रगति को संज्ञान में लिया है। इसमें विशेष रूप से भारत केंद्रित नई स्वतंत्र वायरलेस कंपनी एयरकॉम की स्थापना, एयरसेल से किए गए करार और कनाडा की बुरकफील्ड को टावर कारोबार करने वाली समूह की कंपनी रिलायंस इंफ्राटेल की हिस्सेदारी बिक्री का सौदा शामिल है। इसके साथ ही अनिल अंबानी ने कहा कि उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी के साथ रिश्ते सौहार्दपूर्ण हैं और इस बारे में जो भी बातें की जा रही हैं वो सब अनावश्यक हैं। अनिल अंबानी ने कहा कि दोनों भाइयों के बीच कारोबारी रिश्ते होने के बावजूद दूरसंचार क्षेत्र में कंपनियां अलग अलग काम करती रहेंगी।